हेलो समधन जी। अरे अरे समधन जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ, मुझे भी आपको एक बात बतानी है। मैं आपको ये बताने के लिए फोन कर रही हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको भी और मुझे भी। आखिर मेरा होने वाला दामाद डॉक्टर बन गया है। जी दामाद होने वाला था आपका, आपका दामाद अभी तक बना नहीं है मेरा बेटा। अरे तो उसमें क्या बड़ी बात है, सगाई तो कर ही चुके हैं। अब जल्दी से मुहूर्त निकलवाइए और फेरे करवा देते हैं दोनों बच्चों के। शादी और आपकी बेटी से अब क्यों, अब क्या हो गया समधन जी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है और वो अब आपकी बेटी से शादी बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप पूरी मेरी पहली बात तो सुन लीजिए, मेरी कुछ नहीं सुनना, मैं ये रिश्ता आज ही तोड़ती हूँ। समधन जी ये चीज सही नहीं है। कौन सी समधन, मैं आपकी कोई समधन नहीं हूँ। रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में किया जाता है। मेरा बेटा डॉक्टर है तो पीछे बहू भी डॉक्टर ही आएगी। जब आपने सोच लिया है कि आप रिश्ता तोड़ेंगी तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी तो इच्छा यही थी कि ये रिश्ता हो जाता, लेकिन जब आपने बोल दिया है कि रिश्ता बराबरी में होगा तो फिर अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जो बात बताने के लिए फोन किया था वो बात तो सुन ही लीजिए आप मेरी। दरअसल मेरी बेटी भी ना सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तो आज सुबह ही उसका रिजल्ट आया है, वो कलेक्टर बन गई है। क्या? हाँ समधन जी, मेरी बेटी कलेक्टर बन गई है। मैं तो यही बताने के लिए आपको फोन किया था। क्या आपकी बेटी कलेक्टर बन गई? समधन जी मेरी बात तो सुनिए आप। अरे कौन सी समधन, कहाँ है समधन? मैं समधन तो तब बनती ना आपकी, जब आपके बेटे की शादी मेरी बेटी से होती। आपने बोला ना रिश्ता बराबरी में करना चाहिए, तो मेरी बेटी कलेक्टर है तो मैं अब डॉक्टर से शादी कैसे करूँ? कलेक्टर ही ढूंढूंगी मैं भी।